हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टेक वॉक। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि किस तरह से हम किसी भी निच का कॉपीराइट चेक कर सकते हैं या डीएमसीए चेक कर सकते हैं। रिसेंटली मुझे एक ईमेल रिसीव हुई थी जिसमें उस बंदे ने मुझसे पूछा हुआ था, जो भी भाई थे, कि अगर मैं आई इन इंस्टाग्राम प्रो के ऊपर काम करूँ, सॉरी ये स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो गई, या मोड एपीके, तो क्या मुझे इंस्टाग्राम वाले कॉपीराइट भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। तो हम किस तरह से चेक कर सकते हैं कि कौन सी नीच के ऊपर आपको कॉपीराइट आएगा। वैसे तो जो मोड एपीके की नीच है, मोड एपीके तो उसके ऊपर 90% कन्फर्म होता है कि आपको कॉपीराइट आएगा, आपको डीएमसीए आएगा, आपको स्ट्राइक गूगल की तरफ से आएगी। लेकिन उसका सलूशन है, नेक्स्ट वीडियो में उसका हल भी आपको बता दूंगा, लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा तो चेक किस तरह से कर सकते हैं। तो उसका बहुत ही आसान सा तरीका है। सबसे पहले आपने गूगल में चले जाना है, कोई सी भी नीच है, जो भी सी नीच है आपकी, उस कीवर्ड को आपने गूगल पे टाइप करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरी नीच है काइन मास्टर मोड एपीके, मेरा ये कीवर्ड है, तो मैंने ये इस तरह से लिखा। तो जैसे ही मैंने ये लिखा, आपने एंड पे आ जाना। अगर ये एरर नीचे शो हो रहा हो तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है, और यहाँ पे इसका मतलब है कि काफ़ी लोगों को आया भी हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक रिजल्ट जो है इन्होंने रिमूव किया है, यानी कि उसके ऊपर कॉपीराइट आया है, जिसको हम डी एम सी ए कहते हैं, वो आया। अच्छा, सेम जो है, अगर मैं आपको चेक कराऊँ to make money online या what is SEO भी लिखने, तो यहाँ पे आप देखो इस तरह की कोई चीज़ नहीं आएगी, क्योंकि इनके ऊपर कोई स्ट्राइक वगैरह या कोई कुछ नहीं आ रहा। तो यहाँ पे इस तरह से आप देख सकते हो। सेम हम अगर कोई और देख लें, MX प्लेयर गोल्ड APK, ये आया। या हम देख लेते हैं कोई और वाइल्ड UTYT2MP3, तो ये आप देख लो, ये इसी तरह करके नीचे आ रहा है, यानी कि इसके ऊपर भी आपको स्ट्राइक पड़ते हैं। किसी भी निच का आप इस तरह से चेक कर सकते हो कि आपको एरर आएगा या नहीं आएगा, या स्ट्राइक पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। अब आगे हम इसको थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। जब आप इसको इस तरह से क्लिक करोगे, इस तरह से कंप्लेंट के ऊपर किसी भी पे कर दो, तो यहाँ पर आपको वो तमाम वेबसाइटें शो करवाएगा जिनके ऊपर स्ट्राइक आ चुकी है। तो ये देखो, ये जितनी वेबसाइटें थी, इनके दो URL रिमूव हो गया, इसका दो रिमूव हो गया, जितनी ये वेबसाइटें हैं इनके ऊपर स्ट्राइक आ चुकी है। हम अभी मोड एपीके के एक एग्जांपल देख लेते हैं, वही काइन मास्टर मोड एपीके। तो यहाँ पे आ गया, तो ये आ गया रीड द डीएमसी कंप्लेंट, तो ये हम पढ़ देते हैं। ये देखें, असल जो है वो बता रहे हैं कि ये है, और इतनी सारी जो वेबसाइट हैं इनके ऊपर स्ट्राइक आ चुकी है। लेकिन इससे ये बचते किस तरह से हैं वो फिर मैं आगे बताऊंगा आपको। किसी भी निच का पता कर सकते हैं। सेम हम देख लेते हैं इंस्टाग्राम का प्रो मोड एपीके, तो यहाँ पे हम देखते हैं इसके ऊपर नहीं आया, शायद किसी और कीवर्ड इसके ऊपर। अच्छा, कभी कभी फर्स्ट पेज पे नहीं आता, सेकंड पे भी आ जाता है, तो आपने सेकंड थर्ड फाइव तक चले जाना है। यहाँ अगर कहीं ना कहीं आया हो तो फिर आप उस निच से दूर। कोई और देख लेते हैं, हम देखते हैं मोड एपीके, तो यहाँ पे ये वेबसाइट आ गई। तो जिस तरह से माइनक्राफ्ट है, सबवे सर्फर है, ये है, आप इनमें से देख लेते हैं किसी को पिक करके कि किसी के ऊपर आया हुआ है। मोड माइनक्राफ्ट मोड एपीके डाउन, तो यहाँ पे हम देखते हैं किसके ऊपर भी देखें आप, ये आया हुआ है। इसको हम रीड कंप्लेंट करके देख सकते हैं कि कौन कौन सी जो वेबसाइटें हैं उड़ी हैं। भाई ओरिजिनल URL ये है उनका, ये दो URL हैं उनके ऑफिशियल हैं, ये जितनी वेबसाइटें हैं इन सब को कॉपीराइट स्ट्राइक भेजा है, तो आपके ऊपर भी आएगा। सिंपल सी चीज है। तो इस तरह कोई भी आप जो है मोड एपीके की नीच स्टार्ट करने से पहले उसे चेक कर लें कि कितने किसके ऊपर डीएमसीए आएगा, आपको कॉपीराइट आएगा या नहीं। उम्मीद करता हूँ
तो ये चीज आपको पता चल गई होगी। खुद ही अपनी नेच की हर चीज चेक किया करें, आप चेक करेंगे आपका एंड्रॉयड हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।